हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। श्री राम टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल एसआर टेक लाइव में आप लोगों का वापस से स्वागत है। मैं विनोद निमरोट वापस से आप लोगों के सामने डीसी मशीन का एक टॉपिक लेकर वापस से उपस्थित हूँ। जो पीछे हम लोग डीसी जनरेटर पढ़ रहे थे, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आप लोगों के सामने आज डीसी सीरीज जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आपसे निवेदन है, सबसे पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले जितने भी स्टूडेंट्स लाइव हैं, सभी एक बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर इसको शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी लाइव आ सकें, क्योंकि लाइव ज़्यादा आएंगे तो पढ़ाने में मज़ा आएगा। दोस्तों, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा आप लोगों के सामने, कल हम लोगों ने सेल्फ एक्साइटिंग जनरेटर के बारे में पढ़ा, और सेल्फ एक्साइटिंग जनरेटर क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने आपके सामने डिस्कस किया। पी स्टूडेंट जो इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं आज या नए जुड़े हैं, वे स्टूडेंट पहले डीसी मशीन के पिछले जो तीन वीडियो तीन क्लासेज मैं डाल चुका हूं, उन क्लासेजों को अटेंड करें एक बार, उसके बाद इस वीडियो को देखें। ये वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर वापस, ऐसा नहीं है कि डिलीट हो जाएगा, पहले उन वीडियो को देखें देन उसके बाद ये देखें। और सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि पूरी क्लास में बने रहें, क्योंकि आधा वीडियो देखोगे फिर आधा देखोगे तो ये समझना पॉसिबल नहीं है। इसलिए सभी विद्यार्थियों से मेरा ये निवेदन है कि पूरी क्लास एक सिस्टमेटिक ढंग से अटेंड करें, हाथ में पेन लें, कॉपी लें और अपने नोट्स तैयार करें। दोस्तों, वे स्टूडेंट जो फैट कोर्स पर परचेज करना चाहते हैं, वो एसआर टेक लाइव एसआर टीसी ऐप पर जाकर और कोर्स परचेज कर सकते हैं। जो कोर्सेज अभी फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए 999 रुपये में दिया जा रहा है, अगर एसआर टीसी का कोई भी स्टूडेंट है तो अलग से कोई डिस्काउंट वो लेना चाहता है। एसआर टीसी से पढ़ा हुआ पहले से कोई स्टूडेंट है जो श्री राम टेक्निकल क्लासेज के ऑफलाइन कोर्सेज में पढ़ के गया है, वो अलग से डिस्काउंट और ले सकता है। वो मेरे नंबर पर कॉल करके या मेरे नंबर पर मैसेज करके एक बार वापस से कांटेक्ट कर सकता है, उसको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ उसको जो श्री राम टेक्निकल क्लासेस का क्लासरूम स्टूडेंट होगा। वही समझ रहे हैं, मैंने बाकी के स्टूडेंट को 999 रुपये का है बहुत शॉर्ट पैकेज, जो कि 50 स्टूडेंट के बाद में उसका पैकेज बढ़ा दिया जाएगा। दोस्तों, अभी हम लोग चलते हैं। कल हम लोगों ने देखा कि परमानेंट मैग्नेट टाइप क्या होता है, मतलब किस, और हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप का पहला भाग हम लोग ले लेते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या दोस्तों, श्रेणी जनित्र। क्या कहते हैं दोस्तों? श्रेणी जनित्र। श्रेणी जनित्र या सीरीज जनरेटर क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सीरीज जनरेटर की अगर बात की जाए तो इसमें आर्मेचर और सीरीज दोनों ही एक दूसरे के श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं। दोनों ही एक दूसरे के किस क्रम में जुड़े रहते हैं? श्रेणी क्रम में, इस तरीके से जुड़े रहते हैं, इसीलिए इसका नाम श्रेणी जनरेटर रखा गया है। ये यहाँ पर जो कनेक्ट किया है मैंने, ये क्या है? लोड। यहाँ पर जो कनेक्ट किया है वो क्या है? हमारा आर्मेचर। क्या है दोस्तों? आर्मेचर। यहाँ पर जो कनेक्ट किया गया है वो क्या है दोस्तों? वो है हमारी फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग, अब समझने का इसको प्रयास करना बहुत अच्छी तरह से। फील्ड वाइंडिंग को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्र वाइंडिंग, वाइंडिंग को कुंडलन भी कहा जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? ये हमारा सीरीज जनरेटर है जिसमें आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग, मतलब के कहने का मतलब आर्मेचर और स्टेटर पर जो फील्ड वाइंडिंग की जाती है, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ी रहती है, इसीलिए इसका नाम दिया गया श्रेणी जनरेटर। क्या नाम दिया गया? सीरीज जनरेटर। दोस्तों, क्या नाम दिया गया इसका? सीरीज जनित्र। एक बात अच्छी तरह ध्यान रखना दोस्तों, अगर श्रेणी जनरेटर की बात की जाए, श्रेणी जनित्र की अगर बात की जाए, तो इसका फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है बताइए? वो रेजिस्टेंस हमेशा लो रहेगा,
कैसा रहेगा? लो। फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस रहेगा कैसा रहेगा दोस्तों? लो। अब आप अच्छी तरह से ये चीज़ जानते हैं कि लो कब होता है। लो कब होता है? लो तब होता है जब कोई वायर मोटा हो और उसकी लंबाई कम हो। तो कहने का मतलब आप लोग ये कह सकते हैं कि ये फील्ड वाइंडिंग मोटे वायर और कम लपेटों की बनी रहेगी। क्या बनी रहेगी? कम लपेटों की बनी रहेगी। फील्ड वाइंडिंग कैसे वायर कैसे तार की बनी रहती है? मोटे तार की बनी रहती है और उसमें लपेटों की संख्या क्या होती है? कम होती है दोस्तों। कैसी होती है? कम। लपेटों की संख्या क्या होती है उसके अंदर? कम होती है। और ये कैसे वायर की बनी रहती है? मोटे की, क्योंकि तभी जाके रेजिस्टेंस क्या होगा? लो। लेकिन आर्मेचर वाइंडिंग की अगर बात की जाए तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस फील्ड वाइंडिंग की तुलना में क्या होता है? हाई। रेजिस्टेंस क्या रहता है इसका? हाई रहता है, ध्यान रखना। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध। क्या रहेगा? उच्च। अब उच्च कब होगा? उच्च तब होता है जब पतला वायर होता है। ध्यान रखना, वायर जितना मोटा होता है उतने कम रहता है उसका प्रतिरोध। कोई वायर जितना ज्यादा मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना कम होगा, पतला वायर होगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा। तो इसका जो वाइंडिंग होती है वो पतले वायर की बनी रहती है और अधिक टर्नों की होती है। क्या होती है? अधिक टर्नों की होती है। किसकी तुलना में? फील्ड वाइंडिंग की तुलना में। तभी जाके इसका रेजिस्टेंस क्या हो सकता है? उच्च हो सकता है, ध्यान रखना। इस तरीके से हमारा ये जनरेटर होता है। अब आप लोग यहां पर क्या देखेंगे कि आर्मेचर के अंदर जो वोल्टेज उत्पन्न होगा उस वोल्टेज को नाम देंगे ईजी। क्या नाम देंगे? ईजी। और आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है उसका नाम होता है आरए। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, आर्मेचर में जो वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं ये चीज कि उसे कहते हैं जनरेट ईएमएफ। क्या होता है? जनरेट ईएमएफ या उत्पन्न वोल्टेज, उत्पन्न ईएमएफ। उत्पन्न ईएमएफ को हम किससे दर्शाते हैं? ईजी से। किससे दर्शाते हैं? ईजी से। जी मतलब जनरेट, ई मतलब ईएमएफ। इतना ईजी उत्पन्न हुआ। लेकिन जब उत्पन्न होता है तो आर्मेचर के अंदर आपको पता है वाइंडिंग है, वाइंडिंग का कुछ ना कुछ प्रतिरोध है। कितना प्रतिरोध है? थोड़ा सा ज़्यादा है। किससे? हमारा फील्ड वाइंडिंग का लगभग 1 ओम रहता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फील्ड वाइंडिंग का और भी कम रहता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो पतले तार का बना रहेगा, अधिक टर्न होगी फील्ड वाइंडिंग की तुलना में। तो यहाँ पर अगर बात करें हम लोग, जो धारा बहेगी उसे कहेंगे आई ए धारा। क्या कहेंगे दोस्तों? आई ए धारा। क्या कहेंगे? आई ए करंट फ्लो होगा इसके अंदर। क्या होगा? आई ए क्या दर्शा रहा है? आर्मेचर को। आई में किसको दर्शा रही है? करंट को। तो आई ए का मतलब हो गया आर्मेचर करंट। क्या नाम हो गया? आर्मेचर करंट। ई जी क्या हो गया? उत्पन्न वोल्टेज। और यहां पर आर ए क्या हो गया? आर्मेचर का प्रतिरोध। अब देखो, जो आर्मेचर पर धारा जाएगी वही धारा कहाँ जाएगी? लोड पर, क्योंकि और कोई मार्ग नहीं है। श्रेणी क्रम में धारा वही रहती है समान। तो यहां से धारा आई तो जो धारा आर्मेचर पर है वही धारा कहाँ जाएगी? लोड पर। तो लोड पर भी धारा का मान कितना रहेगा? आई एल। कितना रहेगा दोस्तों? लोड पर भी धारा का मान कितना रहेगा? आई एल। लोड पर भी धारा का मान कितना रहेगा? आई एल, जो किसके बराबर रहेगा? आई ए के बराबर, क्योंकि समान ही धारा रहेगी। एल मतलब लोड, आई मतलब धारा। लोड धारा का मान आर्मेचर धारा के बराबर रहेगा। और लोड पर जो वोल्टेज हम लोगों को मिलता है उस वोल्टेज को नाम क्या दिया जाता है बताओ? वी एल। वी एल का मतलब लोड वोल्टेज। वी मतलब वोल्टेज, एल मतलब लोड। समझ रहे हैं मेरी बात? टर्मिनल वोल्टेज भी कह सकते हैं इसको। और वही धारा निकल के वापस से, क्योंकि बीच में कोई भी मार्ग नहीं है, वही धारा कहाँ जाएगी? सीरीज फील्ड वाइंडिंग पर। किस पे जाएगी? सीरीज फील्ड वाइंडिंग पर। किस पे जाएगी? सीरीज फील्ड वाइंडिंग पे वही धारा गई है। मतलब जो धारा लोड पर आई थी वही धारा हमारी यहाँ पर गई है, जिसे कहेंगे आई एस ई। क्या नहीं है? और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस कहलाता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर भी प्रतिरोध है, कम है तो क्या हुआ? है तो है ना। तो उसे कहेंगे आर एस ई। एस ई मतलब सीरीज, नाम से पता लग रहा है। एस ई मतलब सीरीज, आर मतलब प्रतिरोध। सीरीज में प्रतिरोध कितना है? आर एस ई।
धारा कितनी है आई ए सी, यहाँ पर धारा कितनी आई ए, यहाँ पर उत्पन्न वोल्टेज कितना ई जी, यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना आर ए, यहाँ पर आई एल, यहाँ पर वी एल, और यहाँ पर लोड जो कनेक्ट करते हैं उसे आर एल कह सकते हो, लोड रेजिस्टेंस, मतलब जो हमारे उपकरण लगे रहते हैं उनका भी रेजिस्टेंस होता है। अब देखो मुझे ये बताओ, आप लोगों को जो वोल्टेज प्राप्त करना है, दोस्तों ध्यान से क्या कहना चाह रहा हूँ, आप लोगों को अच्छी तरह पता है वोल्टेज कहाँ प्राप्त करते हो, वोल्टेज जनरेटर को क्यों चलाते हो आप लोग, उससे उत्पन्न होने वाली विद्युत धारा का प्रयोग करोगे, इसीलिए तो चलाओगे, घर की ट्यूबलाइट चलानी है, घर का मोटर चलानी है, या फिर फैन चलाने हैं, एसी चलाना, जो भी आप लोग उपकरण चलाना चाहते हो वो क्या है, लोड, ये लोड वही है। तो आप लोगों को वोल्टेज कहाँ मिला, लोड पर, कहाँ मिला, लोड पर, कहाँ से मिला, आर्मेचर से, आर्मेचर में जो उत्पन्न हुआ वही लोड पर गया और वही आप लोगों को मिल रहा है, तो आप लोग कहोगे लोड वोल्टेज कहाँ से मिला, आर्मेचर से ही आया है, लेकिन आने में कुछ उत्पन्न हुआ था मान के चलो, कितना इजी, तो आर्मेचर के अंदर जहां जहां पर कोई प्रतिरोध होता है वहां पर वोल्टेज जरूर खर्च होता है, जहां पर कोई प्रतिरोध होता है और उस प्रतिरोध के अंदर यदि धारा बह रही है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ वोल्टेज जरूर खर्च होगा, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो, लेकिन कितना होगा वो आपको अच्छी तरह से पता है, प्रतिरोध वोल्टेज निकालने का सूत्र आई इंटू आर, आई जहां पर भी खर्च वोल्टेज निकालना चाह रहे हो वहां पर आप लोग धारा और वोल्ट रेजिस्टेंस को गुणा कर दो, खर्च वोल्टेज निकल आएगा। अब मुझे देखो, मैं आप लोगों को सामने बताना चाह रहा हूँ कैसे कि कहाँ कहाँ से कितना कितना खर्च हुआ है। ईजी तो क्या था, उत्पन्न, उत्पन्न था क्या, वोल्टेज, आपके सामने हर चीज को क्लियर कर दूंगा, बताओ ईजी क्या था, उत्पन्न वोल्टेज। मुझे ये बताओ आर्मेचर पर कितना खर्च हुआ है, सॉरी, आर्मेचर पर खर्च वोल्टेज कितना है, बताओ कौन कौन बताएगा, इतनी देर से चिल्ला रहा हूं फिर भी अगर जवाब नहीं आता है तो बड़ी विडंबना वाली बात है। आर्मेचर पर खर्च वोल्टेज का मान कितना होगा, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, यहां पर आर्मेचर पर खर्च वोल्टेज कितना होगा, मैंने आपसे क्या कहा कि कहीं पर भी खर्च वोल्टेज यदि निकालना चाह रहे हो तो ये देखो वहां धारा कितनी बह रही है और वहां पर रेजिस्टेंस कितना है, तो आर्मेचर पर धारा वोल्टेज का सूत्र क्या होता है, धारा इंटू रेजिस्टेंस, कहां पर निकाल रहे हो आर्मेचर पर, तो आर्मेचर पर धारा कितनी है आई ए और रेजिस्टेंस कितना है आर ए, तो खर्च कितना हुआ आई ए इंटू आर ए, खर्च कितना हुआ आई ए इंटू आर ए, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, तो आर्मेचर पर खर्च वोल्टेज का मान कितना है आई ए इंटू आर ए, और कहाँ खर्च हो रहा है ये बताइए मुझे, और कहाँ पर खर्च हो रहा है ये बताइए मुझे, और खर्च होगा सीरीज में, मतलब मैंने क्या कहा, जहां जहां प्रतिरोध होगा वहां वहां खर्च होगा, आप ये भी कह सकते हो लोड पर खर्च होगा, अरे वो तो खर्च कर रहे हैं हम लोग, मशीन के अंदर थोड़ी हो रहा है वो, तो लोड तो क्या है, आप लोगों ने जो घर पर लगा रखा है ट्यूबलाइट है, फैन है, एसी है, फ्रिज है, ये हमारा क्या लोड है, तो वो लोड तो आप लोगों ने वहां तो खर्च करना ही है आपको, वो तो प्राप्त हुआ, प्राप्त होने के बाद तो खर्च करना ही है यार, उत्पन्न क्यों कर रहे हैं, खर्च करने के लिए आप पैसा क्यों कमा रहे, खर्च करने के लिए, समझ रहे हैं मेरी बात, तो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट की वो तो लोड पर खर्च होगी, लेकिन ये देखना है लोड पर मिलेगी कितनी हम लोगों को, तो उससे पहले हम लोगों को पहले यहाँ खर्च हुई जो आर्मेचर के अंदर खर्च हो जाएगी उसके बाद ही तो मिलेगी भाई, है आपने महीने के 10,000 रुपये कमाए, आप रहे, रूम रेंट लिया, खाने पीने का खर्चा, घर वालों को कितने पहुंचाओगे भैया, हैं 10,000 रुपये में से आप लोग रूम का रेंट घटाओगे, जो महीने में खर्चा किया है वो घटाओगे तभी तो घर वालों को पहुंचाओगे, बाकी का बचा हुआ, वही बात मैं कह रहा हूँ, आपने यहाँ रूम रेंट दिया, यहाँ पर खर्चा किया, उसको घटा दो लोड पर आप लोगों को वापस मिल जाएगा, है समझ में आई कुछ बात है, नहीं आई है तो बाढ़ में जाओ।
श्रेणी पर कितना होगा, या फील्ड कह सकते हैं इसको, फील्ड वाइंडिंग में खर्च। खर्च वोल्टेज बताइए कितना होगा दोस्तों, कितना होगा जवाब आना चाहिए फटाफट। फील्ड वाइंडिंग में कितना होगा, कितनी धारा है, कितना रेजिस्टेंस है, दोनों को गुणा कर दीजिए। आई एसी तो ये धारा है और आर एसी क्या है, रेजिस्टेंस। दोनों को यदि मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया फील्ड में खर्च, और ये क्या हो गया आर्मेचर में खर्च। तो मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, आप लोगों के पास मिला कितना अबे, तो आप क्या कहोगे हैं, आप क्या कहोगे बताइए। आप ये कहोगे सर उत्पन्न कितना हुआ था, इजी, उसमें से खर्च कितना हो गया, आई ए इंटू आर ए तो यहाँ खर्च हो गया, आई एस सी इंटू आर एस सी यहाँ खर्च हो गया। और उस खर्च को जब घटा दिया, मान के चलो 100 वोल्ट उत्पन्न हुआ, कितना हुआ, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, एक फील्ड रेजिस्टेंस है ये, तो यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है ये बैटरी से, एक रेजिस्टेंस ये है और लोड है यहाँ पर। मैंने जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान के चलो 100 वोल्ट की बैटरी लगाई यहाँ पर, यहाँ पर प्रतिरोध है, आई ए आर ए खर्च हो गया, मान के चलो वो खर्च हुआ 20 वोल्ट, कितना खर्च हुआ 20 वोल्ट, खर्च कितने से हुआ 100 वोल्ट में से, और यहाँ पर खर्च हो गया मान के चलो 30 वोल्ट, उसका मान कितना है सीरीज का है, तो आई एस सी आर एस सी है, तो बचा कितना बताओ, 100 में से 20 यहाँ गया 30 यहाँ गया, तो यहाँ कितना बचेगा बी एल पर, 50 बचेगा या नहीं बचेगा, कितना वोल्ट बचेगा दोस्तों, 50 बचेगा, कॉमन सेंस की बात है, 100 दिया 20 यहाँ खर्च हुआ 30 यहाँ खर्च हुआ, बाकी का बचा कितना 50, क्योंकि 50 तो खर्च ही हो गया। मैं आपसे पूछना चाहूँ ये 50 कैसे निकाला आपने, कि 100 जो उत्पन्न हुआ था उसमें से आपने पहले तो ये 20 घटा दिया और फिर ये 30 घटा दिया, तभी तो 50 बचा था कि नहीं बचा था, ये 50 क्या था, लोड पर मिलने वाला वोल्टेज। तो वी एल कैसे याद करोगे बताइए, वी एल कैसे याद करोगे बताइए, वी एल कैसे याद करोगे बताइए, जवाब आना चाहिए, जवाब आना चाहिए, फटाफट बताइए वी एल का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए, जल्दी से फटाफट फटाफट आंसर आना चाहिए, जल्दी से कितना होगा वी एल की वैल्यू। गुड, वी एल कैसे निकालोगे, देखो आपने क्या किया, जो दिया उत्पन्न हुआ 100, तो उत्पन्न हुआ 100, 100 को क्या नाम दिया यहाँ पर, ईजी, तो ईजी में से आप क्या करोगे घटा दोगे, किसको घटा दोगे, जो खर्च हो रहा है कितना हो रहा है, आई ए आर ए, आर्मेचर पर खर्च हो रहा है और सीरीज में खर्च हो रहा है, तो आर्मेचर में खर्च हो रहा है आई ए आर ए, सीरीज में खर्च हो रहा है आई एस सी आर एस सी, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, हो रहा या नहीं हो रहा। और बाकी एक कुछ चीजें और बताई थी मैंने आपको, याद हो तो कुछ दिमाग पर जोर डालिए, कि पिछले वीडियो में मैंने इसके अलावा एक्स्ट्रा चीजें आप लोगों को क्या बताई थी, ये बताई थी कि आर्मेचर के पास में दो ब्रश लगी रहती हैं, वो ब्रश लगी रहती है तो उन ब्रशों पर भी कुछ वोल्टेज खर्च होता है, होता है क्या, तो अगर खर्च है तो वो भी घटेगा, क्योंकि खर्च तो घटना है, तो यहां पर आप ब्रश वोल्टेज ड्रॉप भी लिख सकते हैं, ब्रश वोल्टेज ड्रॉप भी लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए यहां पर। अब कभी आप लोगों से उल्टा पूछ लिया जाए, उल्टा कैसे पूछ लिया जाए, सपोज कर लो मुझे कह दिया कि लोड पर 50 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन ये भी पता है कि यहाँ पर 20 वोल्ट खर्च हुआ, यहाँ पर 30 वोल्ट खर्च हुआ, और मुझे ये 100 पता नहीं है, तो 100 पता कर सकते हैं ना कि उत्पन्न कितना हुआ था, आपने घर वालों को जाके 5,000 दिए महीने में, और आपने 2,000 रूम रेंट दे दिया, 3,000 खर्चा दे कर दिया, इसका मतलब कमाई कितने थे, कि 5,000 तो घर वालों को दिए, 2,000 रूम को रेंट दिया, 3,000 का खर्चा किया, तो सर मैंने कमाई इसका मतलब 10,000, तो
तो आप वापस से जोड़ते चलेंगे ना, घर वालों को जोड़ेंगे, रूम रेंट को जोड़ेंगे और जोड़ के प्राप्त करोगे, नहीं करोगे या नहीं बताइए आप लोग, अगर नहीं करोगे क्या, तो वही मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, उल्टा जोड़ दीजिए। मैं कहता हूँ कि उत्पन्न कितना किया था, कैसा मिला है उसको, 50 VL ही तो है ये, प्लस आर्मेचर पर जो खर्च हुआ है उसको, सीरीज पर जो खर्च हुआ है उसको, और ब्रशों पर जो खर्च हुआ है उसको, सबको जोड़ दीजिए। आप लोगों के पास क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, खर्च वोल्टेज, सॉरी हमारा उत्पन्न वोल्टेज मिल जाएगा। किसी को अब भी कोई दिक्कत आ रही है तो बता सकता है, हैं? नहीं आ रही होगी मेरे अंदाज से, क्योंकि हर चीज़ को मैंने एक प्रॉपर ढंग से आपके सामने एक्सप्लेन किया है। ये तो यहाँ पर बात हुई हमारे उत्पन्न वोल्टेज की और प्राप्त वोल्टेज की, क्या नहीं? किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो रिवाइंड करके वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, हो सकता है उसको दोबारा से समझ में आ जाए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में आप लोग कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं उसको दोबारा से आपके सामने एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, इसमें नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों आगे अगर बात करते हैं हम, तो उत्पन्न पावर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, उत्पन्न पावर की। दोस्तों थोड़ी सी 2 दिन से बुखार आ रहा है, तबीयत खराब हो रही है, लेकिन क्या करें, आप लोगों का प्यार वापस से कैमरे के सामने खींच लाता है। आप कहोगे सर 6 महीने तो नहीं खींच लाया, अभी कैसे खींच लाया। बात यह है कि जब तक किसी काम को स्टार्ट नहीं करते हैं तब तक ठीक है, लेकिन स्टार्ट करने के बाद उसमें प्रॉपर आप लोगों के सामने आना जरूरी है। वादा कर लिया तो उसे निभाना जरूरी है, समझ रहे हैं मेरी बात। और देखो ये तो सच है कि मैं तो ऐसा इंसान था कि एक दिन भी क्लास नहीं होती थी या घर पर रह जाता तो मन ही नहीं लगता। सुबह 7 बजे से और रात के 10 बजे तक इंस्टीट्यूट में ही बैठा रहता, बैठा क्या रहता, क्लासों से ही टाइम नहीं मिलता था। सुबह 7 बजे से रात के 8 बजे तक कंटिन्यू क्लासेज होती थी, और क्लासेज नहीं होती थी तो बहुत परेशान होता था मैं। अभी भी बहुत परेशान हुआ हूँ, 6 महीने परेशान ही रहा हूँ। आप भी परेशान हो, हम भी परेशान हैं बाकी का, लेकिन फिर भी अब ये लास्ट में डिसाइड किया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाना ही पड़ेगा। आगे फ्यूचर भी इसी का ही है, सभी जा रहे हैं, बाद में 2 साल बाद या साल भर बाद जाना पड़े तो उनसे तो पीछे रह जाएंगे, अभी भी काफ़ी पीछे रह गए हैं। क्योंकि मेरा थोड़ा सा मानना ये था कि हम लोग ऑफलाइन पे ही वर्क करते, लेकिन परिस्थितियाँ अब ऐसी होगी कि ऑनलाइन पे जाना ज़रूरी है। पहले ऑफलाइन से टाइम ही नहीं मिलता था, ऑनलाइन पे जाए कहाँ से, समझ रहे हैं मेरी बात। तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी का आप लोग ऑनलाइन में भी आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ रहा होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। समझ के नहीं आ रहा, बता दिए थे दोस्तों, हैं? चलो दोस्तों अगर आप चाहो तो मैंने दो एक वीडियो देखे डाले हैं विनोद निमरोट के यूट्यूब चैनल पर, आप NTC PC वगैरह और इसकी तैयारी कर रहे हो तो उस पर मैं, आपके अगर कमेंट होंगे, आप लोगों का अगर सपोर्ट मिलेगा तो उस पर भी फिजिक्स का एक वीडियो डेली डाल दिया करूँगा। लेकिन आपका सपोर्ट ज़रूरी है, क्योंकि मैंने देखा उस पर सब्सक्राइबर अच्छे हैं, इस चैनल से ज़्यादा हैं, उसके बावजूद भी उस पर बच्चे आ नहीं रहे थे लाइव, तो इसलिए मैंने दो वीडियो डाल के फिर नहीं डाला। लेकिन फिर भी आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं डालना स्टार्ट कर दूंगा फिजिक्स के वीडियो, फिजिक्स की आपकी, क्योंकि मोस्टली देखा है जो साइंस पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं वो बायोलॉजी केमिस्ट्री, बायोलॉजी ज़्यादा पढ़ाते हैं केमिस्ट्री कम पढ़ाते हैं, फिजिक्स को तो बिल्कुल नेगलेक्ट ही कर देते हैं। तो आप चाहोगे तो मैं फिजिक्स के उस पर पूरा कम्प्लीटली कोर्स डाल दूंगा, लेकिन बस आप बताइए कमेंट करके अगर आप चाहते हैं तो। विनोद निमरोट यूट्यूब चैनल पर, विनोद निमरोट यूट्यूब चैनल पर जिसे आप लोग सर्च करके सब्सक्राइब भी कर लें, उस पर वीडियो डाल दूंगा मैं। इस पर तो मैं टेक्निकल का ही रखूंगा स्पेशली। तो दोस्तों उत्पन्न पावर क्या होती है, आपका जवाब आना चाहिए, उत्पन्न पावर क्या होती है। उत्पन्न पावर होती है उत्पन्न वोल्टेज इंटू उत्पन्न करंट।
पावर का सूत्र क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। तो उत्पन्न पावर की याद कर रहे हैं तो उत्पन्न वोल्टेज कितना है ईजी, उत्पन्न करंट कितनी आई है, तो ये क्या होगी उत्पन्न पावर। प्राप्त पावर प्राप्त कहाँ हो रही है बताओ, लोड पर। तो लोड पर वोल्टेज कितना होता था वी एल, लोड पर करंट कितना होता है आई एल, यही होगा दोस्तों। और उसके बाद आप लोगों से पूछ लिया जाए कि खर्च पावर क्या होगी, क्या दोस्तों खर्च पावर क्या होगी, तो बताइए खर्च पावर क्या होगी, फटाफट से जवाब आप लोगों का आना चाहिए, क्योंकि पिछले वीडियोज में मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से बताया कि खर्च पावर क्या होती है, लेकिन आप लोगों का जवाब फिर भी नहीं आता है बताने के बावजूद भी। बताइए फटाफट जवाब आना चाहिए आप लोगों का, कम ऑन फास्ट। वैसे दोस्तों आप लोगों का जवाब इतनी जल्दी आता नहीं है, क्या होता है बताइए, आधे बच्चे जवाब देते हैं आधे नहीं देते हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा। आप लोगों के पास किसी चीज़ का जवाब नहीं है, चलो ओके। खर्च पावर की अगर बात करें दोस्तों, कल मैंने आपको समझा दिया था प्रॉपर रूप से कैसे निकालेंगे बताओ, उत्पन्न पावर आपको पता है अच्छी तरह से, इनटू प्राप्त पावर। किसी को कोई दिक्कत, उत्पन्न पावर कितनी पावर उत्पन्न हुई है उसमें से प्राप्त पावर घटा दो, कि मैंने कहा कि 1,000 रुपये कमाए मैंने और अभी मेरे पास बचे हुए कितने 700 रुपये, तो खर्च हो गए मतलब 300 रुपये। आप लोग क्या करोगे, जितना उत्पन्न किया है जितना प्राप्त हुआ है आप लोगों को, इसका मतलब बीच में कहीं खर्च हो गए, तो ये क्या है जनरेट पावर, जो उत्पन्न हुई पावर है उसमें से प्राप्त पावर को घटा दोगे, खर्च पावर आप लोगों के सामने मिल जाएगी। अगर कॉपर लॉसेज की बात की जाए, या कॉपर लॉसेज के रूप में ही होती है, ध्यान रखना दोस्तों खर्च पावर। देखो कहाँ कहाँ होते हैं, एक तो आर्मेचर में होंगे IA²R, और एक किस में होंगे सीरीज वाइंडिंग में होंगे IA²R। ब्रश में भी होते हैं लेकिन आर्मेचर के अंदर ही इंक्लूड हो जाता है मोस्टली, अलग से दे रखे हों तो ही आप लोग उनको कीजिएगा, अदरवाइज नहीं करना है आप लोगों को, ध्यान रखना। मोस्टली अगर दे रखा होता है तभी जाके हम लोग को उनको इंक्लूड करना होता है। ये कॉपर लॉसेज है, ये कॉपर लॉसेज भी इस खर्च पावर के बराबर ही होते हैं, क्योंकि जो खर्च होती है पावर वो कॉपर लॉसेज के रूप में ही होती है। क्या सर मैकेनिकल लॉसेज के रूप में क्यों नहीं होती, मैकेनिकल लॉसेज एक बात अच्छी तरह से ध्यान रखना, मैकेनिकल लॉसेज पावर डेवलप होने से पहले ही हो जाते हैं। यांत्रिक कहानियाँ जो होती है ना, वो पावर डेवलप होती है ईजी इंटू आई ए, उससे पहले ही हो जाते हैं, उसके बाद तो सिर्फ कौन से लॉसेज होते हैं कॉपर लॉसेज होते हैं, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। कैसे IA²R आर्मेचर पर कॉपर लॉसेज प्लस सीरीज पर कॉपर लॉसेज, ये कॉपर लॉसेज होने के बाद जो बचेगी पावर वो हमारी क्या होगी प्राप्त पावर होगी, क्या होगी दोस्तों प्राप्त पावर होगी। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, किसी को कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आ रही है इसमें तो बता सकता है। एक तरीका और है, एक तरीका क्या है कि जो आप लोगों के सामने वोल्टेज खर्च हो रहा है, टोटल वोल्टेज खर्च हो रहा है, खर्च पावर ऐसे भी निकाल सकते हैं,
कैसे निकाल सकते हैं? खर्च वोल्टेज, इनटू करंट। मान के चलो मैंने कहा कि खर्च 30 वोल्ट यहाँ खर्च हुआ, 20 वोल्ट यहाँ खर्च हुआ, कितना खर्च हो गया? 30 और 20 50, करंट 10 एम्पियर, तो 50 इंटू 10 करके आप लोग फटाक से निकालोगे 500 वाट का खर्च हुआ। ऐसे भी आप लोग दोस्तों निकाल सकते हो। खर्च वोल्टेज इंटू करंट भी हमारी खर्च पावर को दर्शाती है। खर्च वोल्टेज इंटू करंट भी यहाँ पर सीरीज में है तो करंट समान ही रहती है, तो आप लोगों को दिमाग लगाने की अलग अलग ज़रूरत नहीं है कि हाँ इसमें अलग खर्च हुआ है, इसमें अलग खर्च हुआ, तो अलग अलग करंट से मल्टीप्लाई करना है। नहीं, अलग अलग खर्च से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करंट की वैल्यू सभी पे क्या है? समान है। कोई दिक्कत आई हो तो बताइए, इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आई हो तो बताइए। दोस्तों ये हमारा हुआ डीसी सीरीज जनरेटर। क्या हुआ? डीसी सीरीज। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा जिसके आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को इसको पढ़ाया है तो आप लोगों के पास जवाब होने चाहिए उसके। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, डीसी सीरीज मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग किस क्रम में जुड़ी रहती है? बताइए, डीसी सीरीज जनरेटर में आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग किस क्रम में जुड़ी रहती है? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जुड़ी रहती है? श्रेणी क्रम में। आर्मेचर का रेजिस्टेंस क्या होता है? उच्च होता है। सीरीज का रेजिस्टेंस क्या होता है? सीरीज का रेजिस्टेंस क्या होता है? सीरीज वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या होता है? फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस लो होता है। किसकी तुलना में? किसकी तुलना में? आर्मेचर वाइंडिंग की तुलना में क्या होता है? लो होता है। क्या नहीं होता? लोड भी सीरीज में जुड़ा रहता है। आपको पता है अच्छी तरह से, जो आर्मेचर पर धारा रहेगी वही सीरीज में धारा रहेगी और वही लोड पर धारा रहेगी। तीनों पर धारा का मान क्या रहता है? बराबर। तीनों पर धारा का मान क्या रहता है? बराबर। होगा या नहीं होगा? होगा ना। अब बात आती है डीसी सीरीज जनरेटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बताइए, फटाफट बताइए, डीसी सीरीज जनरेटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? डीसी सीरीज जनरेटर मोस्टली देखा जाए तो कांस्टेंट करंट प्रदान करता है। क्या करता है? कांस्टेंट करंट प्रदान करता है। स्थिर करंट प्रदान करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग लाइटिंग के साथ साथ हम बूस्टर के रूप में और करते हैं। किसके रूप में करते हैं? बूस्टर। बूस्टर इज ए डीसी सीरीज जनरेटर। बूस्टर क्या होता है? डीसी ट्रांसमिशन लाइनों में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को पूर्ण करने के लिए बूस्टर का प्रयोग करते हैं, और वो बूस्टर क्या होता है? डीसी सीरीज जनरेटर। क्या होता है? डीसी सीरीज जनरेटर। आपसे पूछा जाए बूस्टर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या कहोगे? डीसी सीरीज जनरेटर का। डीसी सीरीज जनरेटर कैसा करंट प्रदान करता है? स्थिर करंट प्रदान करता है। लाइटिंग में भी हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो मेन यूज आता है इसका वो बूस्टर के रूप में होता है। जो डीसी सीरीज जनरेटर बूस्टर के रूप में डीसी ट्रांसमिशन लाइनों में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप, जो ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं उनमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो सब पूरा करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? बूस्टर का प्रयोग करते हैं। और वो बूस्टर क्या होता है? डीसी सीरीज जनरेटर। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। आपसे पूछा जाएगा डीसी सीरीज जनरेटर का निम्न में से प्रयोग किया जाएगा, बूस्टर के रूप में और किसके रूप में? स्थिर करंट प्रदान करने के लिए और लाइटिंग के रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन लाइटिंग के लिए हम लोग डीसी शंट जनरेटर का, क्योंकि स्थिर वोल्टेज चाहिए होता है हमने लाइटिंग में, लेकिन इसमें लोड बढ़ाने के साथ साथ वोल्टेज वेरी हो जाता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कह नहीं सकते कि इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? फिर भी करते हैं। अब सवाल की बात आती है, अब इसके क्वेश्चंस हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चंस निकाल के देखेंगे, एक दो क्वेश्चंस इसके देखेंगे ताकि क्लियर हो जाए सब कुछ। मैंने कहा किसी डीसी श्रेणी जनित्र में आर्मेचर प्रतिरोध बनो
फील्ड रेजिस्टेंस पॉइंट 5 ओम हो तथा फुल लोड पर वह 200 वोल्ट की सप्लाई के साथ बीस एम्पियर का लोड करंट प्रदान कर रहा है तो उत्पन्न पावर तथा खर्च पावर याद करो। तो उत्पन्न पावर तथा खर्च पावर याद करो, करिए फटाफट कीजिए। उत्पन्न पावर तथा खर्च पावर याद करो। और क्या याद करनी है? खर्च पावर। आपको पता है दोस्तों उत्पन्न पावर का सूत्र क्या था? बताओ उत्पन्न पावर का फॉर्मूला क्या था? ईजी इंटू आई। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बताइए उत्पन्न पावर का फॉर्मूला क्या था? ईजी इंटू आई। लेकिन ईजी है क्या आपके पास? नहीं है ना, तो ईजी याद कीजिए। ईजी का फॉर्मूला क्या था? वी एल प्लस आई ए इंटू आर ए प्लस आई एस सी इंटू आर एस सी। ब्रश वोल्टेज ड्रॉप की बात ही नहीं हुई है यहाँ पर, तो उसको लेके चलेंगे नहीं। बी एल कितना है? लोड पर वोल्टेज कितना है? 200 वोल्ट प्रदान कर रहा है, तो लोड पर ही तो प्रदान करेगा। करंट लोड पर कितनी है? 20। तो मैंने आपसे क्या बताया था? वही आर्मेचर पर रहेगी, वही सीरीज में रहेगी और वही लोड पर रहेगी। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया और पहले भी समझा दिया ये चीज़ क्या नहीं रहेगी। तो आर्मेचर में करंट कितनी रहेगी? 20। आर्मेचर पर रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम। सीरीज में करंट कितनी रहेगी? 20। सीरीज में रेजिस्टेंस कितना है? 0.5 ओम। अब देखो करो, 200 प्लस 20 गुणा 10 कितना हो गया? 230 क्या वोल्ट? 230 वोल्ट जनरेट हुआ। कितना हुआ? 230 वोल्ट उत्पन्न हुआ क्या? नहीं। अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताओ। लेकिन मिला कितना? 200 वोल्ट। तो 20 में 30 वोल्ट का खर्च हो गया। कितना हो गया? 30 वोल्ट। देखो अब पूछ रहा है कि खर्च पावर कितनी होगी। अब खर्च पावर के निकालने के मैंने आपको तीन तरीके बताए। एक तो आपके पास उत्पन्न पावर पता है, अगर प्राप्त पावर पता कर लीजिए। उत्पन्न पावर पूछा है, इजी याद किया तो उत्पन्न पावर और पता कर लीजिए। उत्पन्न पावर क्या होगी? डेवलप्ड पावर बोलते हैं उत्पन्न पावर को। क्या बोलते हैं? डेवलप्ड पावर। इजी कितना है? इजी को ऊपर लिख रहा है ना, इजी इंटू आई ए, तो इजी कितना है? 200। आई ए कितना? 20। तो 20 को मल्टीप्लाई करो, 26 गुणा कितना? 4600 वाट प्लस 4600 वाट उत्पन्न हुआ। कितना हुआ? 4600 वाट उत्पन्न हुआ है पावर। 4600 वाट की पावर जनरेट हुई है। किसी को कोई दिक्कत बताओ? 4600 वाट कैसे? उत्पन्न वोल्टेज इंटू उत्पन्न करंट। उत्पन्न कितना? करंट कितना आई है वो कितना है? 20। तो 4600 वाट। प्राप्त कितनी हुई है बताओ? अगर आपसे प्राप्त पावर पूछे तो कितनी हुई है? प्राप्त वोल्टेज इंटू प्राप्त करंट। प्राप्त वोल्टेज तो आपको पता है सर, वोल्टेज 200 वोल्ट प्राप्त हुआ है। करंट कितनी है? करंट तो 20 ही है, तो 4000 वाट हुआ है। 4000 वाट आपके पास क्या हुआ है? प्राप्त। अब बात आती है खर्च की, तो खर्च पावर क्या होगी बताओ फटाफट। तबा उत्पन्न कितनी हुई? 4600। खर्च प्राप्त कितनी हुई? 4000। तो बीच में 600 क्या होगी? खर्च। तो 4600 तो उत्पन्न हुई है, 4000 प्राप्त हुई है, तो 600 वाट क्या होगी? खर्च।
600 वाट क्या होगी? खर्च पावर। ये हमारी क्या है? खर्च पावर 600 वाट है। किसी को कोई दिक्कत? और दूसरा तरीका और बताया था मैंने, क्या बताया था बताओ, फटाफट क्या दिमाग घुमाओ। दूसरा तरीका क्या बताया? खर्च वोल्टेज इंटू करंट। खर्च वोल्टेज कितना है? खर्च वोल्टेज कितना है आपको पता है? बिला कितना वोल्टेज? 200 वोल्ट। उत्पन्न कितना हुआ वोल्टेज? 230। तो मिला 200, उत्पन्न 230 हुआ, तो 30 खर्च हो गया ना। खर्च वोल्टेज इंटू करंट कितनी थी? क्योंकि जहां पर खर्च हुआ वहां करंट समान ही गई है, तो 20। कैलकुलेट करके देख लो, 600 ही आएगा ना, 600 वाट ही आएगा ना, क्या नहीं आ रहा दोस्तों? तो 600 वाट ही यहां पर खर्च हुआ है, ऐसे भी निकाला तो 600 वाट। और भी तरीका आप लोगों को अगर ने देखना है तो एक तरीका और बता देता हूं, जिससे आप लोगों को ये खर्च पावर भी पता लग जाएगी। हैं, यहां से भी पता लग रही है, लेकिन और भी तरीका है, मैं आप लोगों को वो तरीका बता देता हूं। आपको खर्च पावर का और क्या तरीका बताया था निकालने का? मैंने बोला था कॉपर लॉसेज के रूप में होती है। किस रूप में होती है? कॉपर लॉसेज, कॉपर लॉसेज के रूप में होती है ना, कॉपर लॉसेज के रूप में होती है। तो कॉपर लॉसेज का सूत्र क्या? आई ए स्क्वायर आर ए प्लस आई एस सी स्क्वायर आर एस सी। क्योंकि कॉपर लॉसेज आर्मेचर पर और सीरीज में दोनों में ही होते हैं। करंट कितनी है आर्मेचर पर? 20। तो 20 का स्क्वायर इंटू आर्मेचर का रेजिस्टेंस 0.5, सॉरी 0.5 नहीं है, आर्मेचर का तो 1 है, कितना है 1। प्लस सीरीज में भी करंट 20 का स्क्वायर कितना है हमारा सीरीज का रेजिस्टेंस 0.5। देखो दो 20 गुणा 20 किया 400, 400 गुणा 1 किया तो कितना आ गया 400। 20 गुणा 20 किया 400, 400 को 0.5 से गुणा किया तो कितना आ गया 200। अब बताओ दोस्तों कितना आया? 600 वाट। कितने तरीके मैंने आपके सामने देखो, इससे भी 600 वाट, इससे भी 600 वाट। ऐसा थोड़ी तरीके से चेंज हो जाती है भाई, खर्च तो खर्च ही होती है, बस खर्च को निकालने का तरीका अलग अलग है, क्या नहीं? किसी को कोई भी दिक्कत आई हो, आई नहीं होगी लेकिन फिर भी आई हो तो बता सकता है। बस आपका प्यार बना रहे, इसी तरह से हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। एक सवाल और देखेंगे हम लोग। एक सवाल और देखेंगे हम लोग, क्या थोड़ा सा डिफरेंट सवाल देखेंगे, थोड़ा सा अलग तरह का सवाल देखेंगे, ऐसी सीरीज मोटर से ही, सीरीज जनरेटर से ही रिलेटेड। दोस्तों डिजिटल बोर्ड पे भी मिटाने का झंझट नहीं रहता, लेकिन डिजिटल बोर्ड पे क्या है कि पढ़ाया नहीं जा सकता ज़्यादा, उस पर राइटिंग सही नहीं आती है। पेपर सॉल्विंग जब स्टार्ट करेंगे, थोड़ी सी पीपीटी किट बनने में लगे, स्लाइड बनाने में लगे हुए हैं सारी, वो एक साथ हो जाएगी तो ठीक रहेगा, बार बार में डिस्टर्बेंस नहीं होगा। सारी स्लाइडें बनाने में लगे हुए हैं तो वो जैसे ही हो जाएगी तो आप लोगों का जो लाइव क्लासेज हैं वो स्मार्ट बोर्ड पर दे दी जाएगी। स्मार्ट बोर्ड अभी इस पर पढ़ाने में थोड़ा सा मज़ा आता है, तो बाकी का हालांकि मिटाने की झंझट रहता है, बाकी कैसी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एक और बात करते हैं, किसी डीसी सीरीज जनरेटर में आर्मेचर प्रतिरोध बनाम सीरीज रेजिस्टेंस 0.2 ओम तथा फुल लोड पर वह 5 किलोवाट पावर प्रदान कर रहा है,
जिसका लोड करंट पच्चीस एम्पियर है, तो उत्पन्न पावर और खर्च पावर याद करो। उत्पन्न पावर तथा खर्च पावर याद करो। देखो इधर दोस्तों, यहाँ पे भी एजी चाहिए हम लोगों को उत्पन्न पावर याद करने के लिए, तो एजी निकालने का फॉर्मूला वही है जो मैंने आपको पहले बताया, वी एल प्लस आई आर ए प्लस आई एस सी आर एस। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, वही फॉर्मूला है जो मैंने आपको पहले बताया था, किसी को भी मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ रहे हैं मेरी बात, पहले बता चुका हूँ। बी एल कितना है बताइए, बी एल कितना है, बी एल आपके पास पता नहीं है, है क्या? नहीं, तो बी एल पता करो सबसे पहले। आपको पता है कि लोड पर क्या दे रखा है मुझे, पावर, पावर कितनी है 5000 वाट, 5 किलोवाट का मतलब होता है 5000 वाट, क्या नहीं? किसी को कोई प्रॉब्लम? मैं दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आप प्रॉपर ढंग से समझ जाएं इस चीज़ को, क्योंकि मुझे पता है कुछ स्टूडेंट की प्रॉब्लम रहेगी। मैं डायग्राम बना देता हूँ, ये सीरीज जनरेटर है, ये आर्मेचर है, और मैं कहता हूँ यहाँ पर जो मिली है 5 किलोवाट मिली है लोड पर, करंट कितना मिल रहा है लोड पर 25 एम्पियर, क्या नहीं? मैंने कहा आर्मेचर का रेजिस्टेंस 1 ओम है और इसका रेजिस्टेंस 0.2 ओम है। अब बोलो मुझे बी एल पता नहीं है, है क्या? क्या दे रखी है? पावर का फॉर्मूला होता है वी इंटू आई, तो बी यहाँ पर याद करोगे तो पी ऊपर चला जाएगा, आई नीचे आ जाएगा। पावर कितनी है बताओ, 5000 आपने ही बोला ना 5 किलोवाट, आई कितनी है 25 दूना 50, कितना मिला बताओ, 200 वोल्ट बी एल मिला। क्या मिला? 200 वोल्ट मिला ना, किसी कोई दिक्कत? क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है वी इंटू आई, पावर दे रखी है, पावर दे रखी है, वोल्टेज नहीं दे रखा, करंट दे रखा है 25, तो भी याद करूंगा तो पावर ऊपर चली जाएगी, करंट नीचे चली जाएगी, 5000 अपॉन 25, 200 वाट की हम लोगों के पास बी एल आ गया। अब ये जी याद कर लो, ए जी बराबर वी एल प्लस आई ए आर ए प्लस आई एस सी इंटू आर एस सी। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, यही फॉर्मूला था, ब्रोस वोल्टेज ड्रॉप था, वो उसकी तो बात ही नहीं है, अगर हो तो जोड़ देना। वो यहाँ पर 200 वोल्ट प्राप्त हुआ है, बताओ आइए कितना है, आइए तो उतना ही रहना है, ये 25 एम्पियर यहीं से आइए हैं, तो आइए तो 25 ही रहना है। कितना है रेजिस्टेंस 1, यहाँ पर भी 25 ही जाएगी कि नहीं जाएगी? तो 25 सीरीज में धारा बराबर रहती है, सीरीज का रेजिस्टेंस कितना 0.2। अब देखो 200 प्लस 25 प्लस 0.2 कितना, 25 दूना 50 मतलब कि 5, क्या नहीं? कितना हो गया बताइए, यहाँ पे 25 से 5 30, यहाँ पे भी 230 आ गया, चलो हैं, यहाँ पे भी कितना आ गया 230। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पे भी कितना आ गया 230, वो आ गया सडनली। ऐसा नहीं है कि पहले जैसा ही सवाल है, सवाल अलग है, लेकिन वो 230 निकल के यहाँ पर भी वही आया वैल्यू, मतलब यहाँ पर प्राप्त कितना हुआ 200, उत्पन्न कितना हुआ 230, यहाँ पर भी वोल्टेज कितना खर्च हुआ है 30, लेकिन करंट कितनी है यहाँ पर 25, कितनी है 25, ध्यान रखना। तो यहाँ पर खर्च पावर निकालोगे तो खर्च पावर सारे तरीकों से निकाल के देख लेना भले ही। अब तो मैं एक सीधा तरीका बता देता हूँ आपको, क्या तरीका, या तो आप लोग उत्पन्न पावर की बात करिए तो उत्पन्न पावर भी निकाल लो, सॉरी उत्पन्न पावर, उत्पन्न वोल्टेज तो निकाल लिया, उत्पन्न पावर क्या होती है, उत्पन्न वोल्टेज इंटू उत्पन्न करंट, यही पूछा ना, तो उत्पन्न वोल्टेज कितना है 230, करंट कितनी है बताओ, वही 25 रहेगी नहीं रहेगी,
25 और 5 30 32 कितना 230 25 दूना 50 सॉरी 25 दूना 50 और 57 कितना होगा 25 0 25 75 हासिल 7 50 और 57 5750 वाट पावर उत्पन्न हुई है। कितनी वाट पावर उत्पन्न हुई 5750। देखो मिल कितनी रही है पावर 5000, उत्पन्न कितनी हुई है 5750, मतलब प्राप्त उत्पन्न हुई 5750 मिली कितनी 5000, उत्पन्न 5750 मिली 5000, तो खर्च कितनी होगी 5750 5000 तो 750 वाट क्या होगी खर्च। ये हमारी क्या है खर्च पावर, क्या नहीं खर्च पावर कितनी है 750 वाट, मतलब 5750 उत्पन्न हुई थी 5000 वाट क्या हुई थी प्राप्त हुई थी, तो 750 की खर्च होगी ना बीच में, या तो ऐसे पता कर लो। ये तो एक तरीका और बताया था मैंने, क्या तरीका बताया था खर्च वोल्टेज कितना है 30, क्योंकि 200 तो मिला है वोल्टेज और उत्पन्न कितना हुआ 230, तो खर्च कितना हुआ 230 और 25 करंट है 25 75 750 वाट। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे हिसाब से सवाल कर लोगे आप लोग क्या, नहीं नहीं होंगे क्या, हो जाएंगे तो सवाल करना, और आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके चलेंगे संट जनरेटर का, वहाँ पर उसके बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। 5-2 मिनट में मैं एक समरी के रूप में वापस से इसको बोल देता हूँ। सीरीज जनरेटर में आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग दोनों सीरीज में जुड़ी रहती है। आर्मेचर पर जो धारा होती है वही सीरीज पर होती है, वही लोड पर होती है, तीनों ही सीरीज में होते हैं, समझ रहे हैं। आर्मेचर का रेजिस्टेंस क्या होता है सीरीज की तुलना वाइंडिंग की तुलना में हाई होता है, थोड़े से पतले वायर की बनी होती है, ज़्यादा टर्नों की होती है। हमारा जो फील्ड वाइंडिंग है वो मोटे तार की बनी रहती है और कम टर्नों की बनी रहती है, रेजिस्टेंस आर्मेचर की तुलना में क्या होता है कम होता है, समझ रहे हैं मेरी बात। तीनों पर धारा का मान क्या रहता है बराबर रहता है। ये स्थिर धारा प्रदान करने के लिए इस जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर इसका प्रयोग डीसी पारेषण लाइन, ट्रांसमिशन लाइनों को पारेषण लाइन बोलते हैं, उनमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको पूर्ति करने के लिए बूस्टर के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। बूस्टर इज ए डीसी सीरीज जनरेटर, बूस्ट करता है वोल्टेज को और वो क्या करता है जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसकी खाना पूर्ति करता रहता है। डीसी सीरीज जनरेटर होता है उसका नाम रखा गया बूस्टर, वहाँ पर हम लोग ट्रांसमिशन लाइनों में जो यूज करते हैं और अलग से डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। इसके अलावा लाइटिंग में भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। और अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पर डीसी सीरीज जनरेटर में जो होता है धारा हमेशा स्थिर रहती है लेकिन वोल्टेज स्थिर नहीं रह पाता, लोड के अकॉर्डिंग धारा क्या धारा भी मोस्टली स्थिर नहीं रह पाती है, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं एक फिक्स लोड पर धारा का मान क्या रहेगा स्थिर रहेगा, समझ रहे हैं मेरी बात। यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर हम लोग विराम करते हैं इस टॉपिक को, बाकी के नेक्स्ट टॉपिक लेके आपके सामने वापस से कल मॉर्निंग में उपस्थित होऊंगा। वो टॉपिक लेके चलेंगे डीसी संट जनरेटर, क्या लेके चलेंगे डीसी संट जनरेटर। आई थिंक समझ में आ गया होगा और अच्छा समझ में आया है आपको लगता है अच्छा पढ़ाया तो शेयर कर दें और अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाएँ। मैं आपका सपोर्ट करने के लिए बहुत आभार व्यक्त करूँगा व्यक्त करता हूँ, बाकी के आप लोगों का प्यार बना रहेगा तो इसी तरह से आप लोगों के डेली प्रतिदिन वीडियो लेके आएंगे। अब आपका क्लास का टाइम और बढ़ा दिया जाएगा, अभी तक एक क्लास होती थी और मोस्टली 21 तारीख से आप लोगों की क्लासेज रात को भी रहेगी जिसमें आप लोग क्वेश्चन सेशन चालू करेंगे। पहले ही करने वाले थे लेकिन मैंने बोला ना स्लाइड बनाना पहले ज़रूरी है, पहले इतना नॉलेज नहीं था मुझे कि हाँ हो सकता था एक ही दिन में स्टार्ट हो जाएगी, एक दिन में ये सारी चीज़ें स्टार्ट नहीं होती, पहले स्लाइडें तैयार करनी होती हैं तब जाके ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो पाती हैं। तो एक हम लोग उनमें करेंगे 21 तारीख को पेपर सॉल्यूशन,
तो एक पेपर एक दिन में तो सॉल्व नहीं होगा, लेकिन हाँ ये 2 दिन में या 3 दिन में, 2 दिन में मोस्टली 50 क्वेश्चन भी एक दिन में हम लोग एक लेके चलेंगे। तो धीरे 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 हमारी बुक्स का भी सॉल्यूशन करवा देंगे और पेपरों का भी सॉल्यूशन करवा देंगे। धन्यवाद दोस्तों, वापस से मिलते हैं कल इसी टाइम पर।